अभी यहाँ पे हमारे घर में और हर घर में बीजेपी 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 और मोदी मोदी चाहिए। मोदी आएंगे और वोट फॉर मोदी। बीजेपी ओनली, कोई चाहिए नहीं आपको बीजेपी? कोई नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी गांव में जाएगी। डिपोजिट कर रहे थे, पौना घंटा हुआ? पौना घंटा से, हाँ 2 घंटे से। ये सब बच्चे सब तो 2 घंटे से। क्या हुआ, आपने देखा? हाँ, मोदी जी गए ना यहाँ से। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा, इंतजार कर रहे थे 2 घंटे से, इंतजार कर रहे थे करके। 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे सिर्फ 2 सेकंड के दर्शन के लिए। तो मिला दर्शन? बिल्कुल मिला सर दर्शन, अभिवादन भी किया उन्होंने, हाथ हिला के। बीजेपी आने वाली नहीं है, वो फिक्स ही है। ये तो गुजरात उनका गुजरात दिखाएगा कि भाई क्या है। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर एक पार्टी के नेता अपने अपने लेवल पे जाके रैलियां करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में जोर लगा रहे हैं। और इस समय मैं खड़ा हूँ वापी के वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के पार्टी विधानसभा में। और अभी आप जो इतने जवानों की तैनाती देख रहे हैं, तो यहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से होके गुजरने वाले हैं और इस पार्टी विधानसभा से होते हुए ये वलसाड़ की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से उनके सुरक्षा में इतने सारे कर्मी लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे रोड अभी फिलहाल इस समय के लिए खाली कर दिया गया है। और यहीं से निकल के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिस्से के वादे लोगों के बीच जाके करेंगे, लोगों को बताएंगे अपने कार्यों के बारे में। देखते हैं, जब यहाँ से गुजरेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, उस समय दिखाएंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र से जब निकलेंगे तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हर एक 10 कदम पे सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, तो जो सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए, जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरते हैं तब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप लोग, लगभग टाइम हो गया है, अब से ठीक 15 मिनट के अंदर यहाँ से यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरेंगे, यहाँ से उनका काफिला गुजरेगा। और उनको देखने के लिए यहाँ पे पब्लिक का इतना हुजूम लगा हुआ है, आप यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अब जहाँ तक देख सकें, यहाँ तक कि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी का जो माहौल है, लगातार ये ध्यान दे रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना हो जाए, तो लगातार सुरक्षाकर्मी का ध्यान बना हुआ है। और ऐसे में पब्लिक इतना ज़्यादा, क्राउड इतना ज़्यादा है यहाँ पर, उनको कंट्रोल करना भी एक बड़ा मुद्दा है। तो हम इसके, जब इनका काफिला चला जाएगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब काफिला इधर से गुजर जाएगा उसके बाद हम यहाँ के सुरक्षा कर्मियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा के दौरान उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब जब वो गुजरेंगे तब हम आपको दिखाने की। अभी देख रहे हैं लगभग 6:30 बजे का टाइम था और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:15 हो चुके हैं, 8:10 हो रहा है। और लगभग 6:30 से 1.5 घंटे के देरी से, हालांकि क्राउड इंतज़ार बहुत किया और यहाँ पे क्राउड लगातार इंतज़ार करते हुए इन लोगों का उत्साह आप देख रहे होंगे। और नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी यहाँ से जस्ट गुजर ही रहा है, तो आप लोग ये देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, जब हमारे पार्टी विधानसभा में आए तो इसका पार्टी विधानसभा में कितना असर होने वाला है, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको, आप देख पा रहे होंगे, जस्ट यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जस्ट गुजरा है यहाँ से। और आप तमाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इतना सारा क्राउड है और क्राउड लगातार 2 घंटे से क्राउड इंतज़ार कर रहा था कि अब मात्र मुश्किल से दो मिनट भी नहीं, अगर देखा जाए तो 1 मिनट दर्शन के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए क्राउड इंतज़ार कर रही थी। तो अभी जस्ट यहाँ से उनका काफिला निकल चुका है और क्राउड का उत्साह आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। हम ये थोड़ी देर के बाद हम पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे।
अभी आप देख रहे हैं जस्ट नरेंद्र मोदी जी का अपना यहाँ से काफिला गुजरा है और यहाँ पे जो उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, हालांकि यहाँ पे कुछ टाइम ओवर हो गया तो यहाँ पे रुके नहीं, निकल गए और यहाँ पे इस तरह से इनका कुछ फ्रेम बनाया गया है। पीछे हमारे नरेंद्र मोदी और उनके साथ में लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है अभी उन लोगों को, आइए देखते हैं। अभी उन लोगों को झलक मिला भी नहीं, देख पाए भी नहीं पाए। क्या नाम है सर आपका? प्रज्ञेश भाई। प्रज्ञेश भाई, कब से आप यहाँ इंतजार कर रहे थे? पौना घंटा हुआ। पौना घंटा से? हाँ, दो घंटे से। ये सब बच्चे सब तो दो घंटे से है। क्या हुआ, आपने देखा? हाँ, मोदी जी गए ना यहाँ से। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, देखा देखा देखा, कुर्सी पे चढ़ गए थे सब। अच्छा, ऐसा? हाँ। तो हाथ वो दिलाए आप लोग को? हाँ, मोदी जी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम दीपक है। कहाँ के रहने वाले थे? यही सोसाइटी के रहने वाले हैं। यही के हैं जी। तो कितने देर से इंतजार कर रहे थे? दो घंटे से इंतजार कर रहे थे। दो घंटे से इंतजार कर रहे थे सिर्फ दो सेकंड के दर्शन के लिए। तो मिला दर्शन? बिल्कुल मिला सर दर्शन। अभिवादन भी किया उन्होंने, हाथ हिला के हमारा। अच्छा, क्या लगता है अभी बीजेपी सरकार का क्या है, कैसा माहौल है अभी? बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी आने वाली है करके। बीजेपी आने वाली नहीं है, वो फिक्स ही है। ये तो गुजरात उनका गढ़ है कि जैसे। क्या नाम है? मनीषा मोदी। गुजरात दिखाएगा कि भाई क्या है, कि यहाँ की इफेक्ट बाकी सब जगह भी आएगी। अच्छा, ये पब्लिक का उत्साह देख के अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो बीजेपी का है कितना ज्यादा वर्चस्व है यहाँ पे, उनका गढ़ माना जा रहा है यहाँ पे। कन्नू भाई देसाई का जो काम है यहाँ पे, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कन्नू भाई देसाई का पार्टी विधानसभा में काम कैसा रहा है। बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ अपनी हॉस्पिटल आ रही है, रोड रास्ते सब बन रहे, बलीटा पे मिनी सिविल हो रही है। और अच्छा, बेसिकली यहाँ पे अभी आप लोग के हिसाब से कन्नू भाई देसाई ने अच्छा काम किया है, और कुछ मुद्दा हो सकता है यहाँ पे? विकास के अलावा कोई मुद्दा चाहिए नहीं ना, कि इतना बढ़िया विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ही हुआ है, पूरे गुजरात में कहीं चले जाओ, दहेज जाओ, सायका जाओ, सब जगह उन्होंने जो ला रहे नए नए प्रोजेक्ट। बिल्कुल, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें ऐड कर रहा हूँ कि अभी जो आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है वो लगातार काउंटर कर रही है बीजेपी सरकार को कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। वो उनका काम है, वो काउंटर करें, उनका काम है। लेकिन वो शिक्षा के मामले में बोल रहे हैं हमने जो करके दिल्ली में दे दिया है, वो जो दिल्ली मॉडल है वो गुजरात में लाने की कोशिश कर। क्या लगता है, शिक्षा में और बेहतरी होनी चाहिए उसका? आपके दिल्ली में, आपके यूपी में तो दिखा है ये 250 में से 249 सीट पे डिपॉजिट गई है उनकी, है ही ना अभी इलेक्शन में। तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि दिल्ली वाले भी यूपी वाले भी समझ गए कि भाई ये उन्होंने क्या काम किया है दिल्ली में। दिल्ली वाले भी अभी वीडियो भेज रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ हम 3-3 साल का वेटिंग चल रहा है। अच्छा, दक्षिण गुजरात में देखा जाए तो जैसे एक चुनाव नज़दीक आया है, तमाम नेताओं अपने अपने हिस्से के वादे लेके जनता के उम्मीदों के थाली में परोसने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जैसे दक्षिण गुजरात में अगर देखा जाए तो सूरत के इधर आप आ जाएंगे तो दक्षिण गुजरात लगता है, और यहाँ पे आदिवासी समाज जो है कि लगभग 30% से ऊपर देखी जाती है। और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला रैली हुआ था गुजरात के अंदर, तो यहाँ से कपराड़ा विधानसभा से हुआ था जो कि दक्षिण गुजरात में पड़ता है। तो क्या लगता है कि आदिवासी समाज कितना उनकी तरफ जाने वाली है, या फिर वहाँ भी उन्होंने काम किया ही है? वो जो पानी का जो था कि सब कनेक्टिविटी करना है, उन्होंने शायद 1-1.5 महीने पहले आके सब उसका ओपनिंग किया था, फिर यहाँ कॉलेज आ रही है। क्या नाम है मैम? पीनल पटेल। पीनल, क्या लगता है, कैसा है माहौल अभी यहाँ पे? हमारे घर में और हर घर में बीजेपी 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 और मोदी मोदी ही चाहिए। मोदी आएंगे और वोट फॉर मोदी, घर घर मोदी। काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। रहने वाला जोधपुर का, उधर भी राजस्थान में बीजेपी आएगा और गुजरात में बीजेपी आएगा। केजरीवाल बोल रहा है ये करूंगा ये करूंगा। वोटिंग कार्ड कहाँ का? गुजरात का है, राजस्थान का है, पर गुजरात में बना दूंगा और उधर तो पड़ेगा, राजस्थान में वोट तो पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। सही है अंकल आपका। चिनू भाई। जीनू भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जीनू भाई हम वापी के ही है। वापी के ही है, कैसा माहौल है अभी यहाँ पे? सिर्फ बीजेपी मोदी, ओनली मोदी एंड बीजेपी ओनली। कोई चाहिए नहीं आपको बीजेपी? कोई नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी गांव में जाएगी डिपॉजिट घुमा के। क्या लगता है, कुछ टक्कर है या बिल्कुल टक्कर कुछ नहीं है? बीजेपी के सामने किसी की कोई टक्कर नहीं है वापी में, सवाल ही उठता नहीं पूरे गुजरात में।
गुजरात में तो मोदी ही है भाई, मोदी है। आज नहीं, काफी टाइम से विकास किया। मैं 30 साल से रहता हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन 30 साल से रहता हूँ वापी में। जितना विकास वापी में किया है मोदी ने, गुजरात में, आपके हिसाब से इंडिया में किया है, पूरा इंडिया का विकास किया है। एक दो नाम गिना दीजिए विकास में। अरे बहुत चीजें हैं, वो तो मैं नहीं गिना सकता, लेकिन विकास विकास हुआ है। चलिए ठीक है, विकास हुआ है, विकास किया। कुछ बच्चे हैं, काफी देर से हमारे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, आए थे यहाँ पे, बड़े नहीं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी आए थे प्रधानमंत्री मोदी देखने के लिए। तो आपने देखा मोदी जी को? हाँ मैंने देखा, पहली बार देखा, पहली बार देखा। क्या नाम है आपका? देवांशी धर्मेश भट्ट। देवांशी, क्या करते हैं देवांशी? पढ़ाई करती हूँ। कौन सा क्लास है? फिफ्थ में। तो मोदी कौन है आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर, देखिए तो बच्चों को भी पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे, और उनको देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है? देखिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे, तो ये एक चीज देख के पता लग सकता है कि जब यहाँ से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, और लोगों का उत्साह देख के पता चल जाएगा आप लोगों को कि पार्टी विधानसभा में बीजेपी का कितना बड़ा वैल्यू है। वोट फॉर मोदी, बाकी आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और बात करना है, बात करना है आपको? चलिए कुछ लोग और बात करना चाहते हैं, बात करना तो मुझे खत्म कर लेने, तो बात करना है तो बात कर लो, नहीं तो मैं खत्म कर लूँ। अच्छा है वापी में विकास, अच्छा है बीजेपी का काम, अच्छा है। अभी अपने इधर में थोड़ा पॉल्यूशन का कर देवे तो सबसे बेस्ट है। पॉल्यूशन का क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत और करना चाहिए, बहुत किया है काम, लेकिन और भी जरूरत है, ताकि आगे जैसे, जैसे जैसे कि जो कंपनियों का पॉल्यूशन है रहने वाले के लिए, उसके हिसाब से और भी करें, तो किया है लेकिन और भी जरूरत है। बाकी तो सब कुछ अच्छा है, बीजेपी चाहिए अपने को तो गुजरात में। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा इंतजाम और कितने दिन से चल रहा था। सर क्या नाम है आपका? अनिल भाई पटेल। अनिल भाई कहाँ के रहने वाले हैं? इधर वापी के ही है, वापी पार्टी विधानसभा, पार्टी विधानसभा 180 कन्नू भाई। कन्नू भाई देसाई साहब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, हालांकि वर्तमान में वो वहाँ से विधायक भी हैं। दो तो बार विधायक रह चुके हैं, और अभी सिटी उधर एमएलए भी था और मिनिस्टरी में भी था, पेट्रोलियम और कैबिनेट मिनिस्टर था, नाना मंत्री पेट्रोलियम मिनिस्टर था, फाइनेंस का भी था। नहीं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय अतिरिक्त मंत्रालय भी संभाला हुआ था, तीनों था उन्होंने अतिरिक्त मंत्रालय भी संभाला हुआ था। तो क्या लगता है अभी कैसा माहौल है आपका? माहौल तो कन्नू भाई साहब ही आएगा, बीजेपी ही आएगा, और सबका डिपॉजिट डुल होएगा। अच्छा। बाकी लोग का कितना दिन से तैयारी कर रहे थे आप? ये तो तैयारी 5 साल से, इलेक्शन खत्म होता है। प्रधानमंत्री मोदी जो जा रहे हैं यहाँ पे, आपने टेंट लगा के रखा हुआ उनके स्वागत के लिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का करने लगा है, कितना दिन से तैयारी चल रहा है? वो तो तैयारी एक महीने से चल रहा था, पिछले 10 दिन से तो एकदम जोरों से चल रहा था। यहाँ पे कुछ बेसिक मुद्दा हो सकता है जो पब्लिक को, और आपने हालांकि आपके लोगों बता रहे हैं यहाँ पे बीजेपी की अच्छा काम हुआ है, लेकिन पब्लिक को और बेटर क्या किया जा सकता है वापी? बेटर है ना सब कुछ, जो भी काम है ना, ज़्यादा करके पाइपलाइन में सब काम खत्म किया है, बाकी जो बचा होगा वो भी पाइपलाइन में ही है। यानी बीजेपी का ही गवर्नमेंट आएगा, और ये हमारा कन्नू भाई साहब मिनिस्टर ही बनेगा, और जो बाकी काम है वो पाइपलाइन का अगले 5 साल में खत्म कर देंगे। एक छोटा सा सवाल है, जैसे यहाँ पे वापी के अंदर हमको अक्सर देखने को मिलता है, जैसे बारिश का मौसम चालू होता है तो उससे 2 महीने पहले नाले खोदे जाते हैं, और ये चीज उससे पहले कर लिया जाए तो और बेटर है, तो इस तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बिल खाड़ी का जो प्रॉब्लम था ना, वो पिछले साल से खत्म हो गया है, और बिल खाड़ी का ये टाइम में करीब नहीं तो 150 इंच बारिश आया, लेकिन किधर भी वापी में किधर भी पानी का प्रॉब्लम है ना, जो रुकता है पानी वो किधर भी नहीं रुका। चलिए फाइनल सवाल, आप ये बताइए कितना सीट आ रही है आपके यहाँ पे गुजरात में? गुजरात में तो 150+ ही है, 182 बोलेगा तो कम नहीं है, 182 तो सीट है, उसमें से 150+ आपके, वो तो है ही है, बीजेपी ही आएगा। तो देखिए ऐसा है कि इनका 182 में से अच्छा, चलिए ठीक है, ख़त्म करते करते एक छोटा सा सवाल, 166 कैंडिडेट का नाम घोषित हो गया है बीजेपी की तरफ से, और इसमें से माइनॉरिटी को एक भी सीट नहीं दिया गया है। माइनॉरिटी का मतलब यह है कि जो मुस्लिम
मुस्लिम जो है उनको एक भी सीट दिया नहीं गया? वो तो देखो है, केंद्र है और पार्लियामेंट का है, उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट दिया है ना वो सब मजबूत है, 182 ही मजबूत है और सब लोग जीतेंगे। हालांकि अभी तक 166 सीटों का बीजेपी की तरफ से घोषणा कर दिया गया है, बाकी का 166 का नहीं 182 का घोषणा कर दिया है पूरा। हाँ अच्छा, अभी जब तक मैं न्यूज़ देखा था तो उस समय तक जब मैं अपडेट हुआ था तो उस समय 166 से थे, अभी भाई साहब बोल रहे हैं ये, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो इनके पास अंदर का रिपोर्ट आ गया है तो 182 का घोषणा हो गया है। और उसमें से जो अभी ये 166 के बाद जो कैंडिडेट घोषित हुए उसमें से कुछ माइनॉरिटी के हैं? नहीं नहीं, 182 है और पार्लियामेंट्री का है। चलिए वो पार्लियामेंट्री का है और वो डिसीजन बीजेपी के जो ऊपर लेवल के लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से तय करते हैं। बाकी आप लोगों को ये बातचीत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखते रहिए ऐसे ही न्यूज़ के लिए सौर्य भारत 365।